जी तो लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। अगर आप इंशाल्लाह इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और बिना स्किप के अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी केक ऐसे ही बनेगा, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट और बहुत ज़्यादा मुँह में जाके घुल जाने वाला। तो आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो रेड वेलवेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने बटर मिल्क रेडी करना है। इसके लिए मैंने एक कप दूध लिया है जो कि नीम गर्म है, और इसमें मैंने डाल देना 1 टेबल स्पून विनेगर। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, और इसे हम कर देंगे अब साइड पर ताकि ये अच्छे से फट सके। जी तो अब हम निकाल लेना है ड्राई इन्ग्रीडियंट को अच्छे से मिक्स, और इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है कोको पाउडर, और इसी के साथ मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा मैंने बिल्कुल लिया है बेकिंग सोडा। और इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और ये अलग से हमने करना। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है जिसमें 1 अंडा लिया, और इसको मैंने 1 मिनट तक अच्छे से बीट कर लेना है। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने लिया है वनीला एसेंस, 1/2 टेबल स्पून मैंने वो ऐड कर देना है इसमें। 1 मिनट हो चुका है, हमने अच्छे से बीट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने 1/2 कप चीनी का लिया है, ये वहाँ पर मैंने साबुत चीनी यूज़ की, आप चाहे तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैंने 3 पोर्शन में डालना है, इकट्ठे नहीं डालना, 3 दफ़ा डालूंगी और थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी इसमें। जी तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से अच्छे से बीट हो चुका है। तो अब मैंने लिया है 3/4 कप ऑयल का, वो भी मैंने ऐड कर देना और थोड़ा सा बीट कर लेना है इसे। तो यहाँ पे चीनी और 1 का बैटर अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब मैंने एक स्पैचुला ले लिया, उसे थोड़ा सा मैं करूँगी मिक्स, और उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी थे सब मैंने इसमें डालकर थोड़ा थोड़ा करके डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको कट एंड फोल्ड करके। देखिए थोड़ा ड्राई हो गया, तो जो हमने रखा हुआ था बटर मिल्क रेडी करके अब मैंने वो डालना है, और वो भी 2 पोर्शन में डालना है। इकट्ठा डाल देंगे तो मिक्स करते हुए थोड़ा सा मसला होगा, और अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इतना कि इसमें कोई लम्स ना रहे। और इसी पॉइंट पे यहाँ पे मैंने रेड कलर भी ऐड कर दिया इसमें, और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसमें। जी तो बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है बेक होने के लिए, और ये देखिए इतना थिक हमने रखना है इसको। जी तो यहाँ पर राउंड शेप का मैंने एक बर्तन ले लिया है जिसको मैंने ग्रीस भी कर लिया और इसमें बटर पेपर भी लगा दिया, और ये काम हमने सबसे पहले करना है। और यहाँ पर मैं अब सारा का सारा बैटर इसमें डाल दूँगी। माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा स्मूथ है बैटर। इसके बाद 2 से 3 दफ़ा हम अच्छे से टैप कर लेंगे, और यहाँ पर मैंने वही पुराना बर्तन यूज़ किया है बेकिंग के लिए, और मैंने अब इसको रख दिया, और तकरीबन 30 से 40 मिनट तक हम इसे बेक करेंगे। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा 30 मिनट से पहले इसको बिल्कुल भी मत खोलिएगा, वरना केक राइज भी नहीं होगा और इसकी हीट भी सही नहीं बनेगी। जी तो जब तक केक रेडी होता है यहाँ पर हम इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेते हैं, और फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ लिया है विप क्रीम जिसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। इसमें कोई मैंने शुगर पाउडर कुछ भी नहीं ऐड करना, सिर्फ मैंने इसको अच्छे से बीट करना है, क्योंकि क्रीम जो थी वो पहले से ही मीठी थी तो इसलिए मैंने शुगर ऐड नहीं की। अगर आपको अच्छी लगता है ज़्यादा मीठा तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें शुगर पाउडर 2 to 3 टेबल स्पून। विप क्रीम अच्छे से विप हो चुकी है, देखिए स्टिफ पिक्स भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं, तो क्रीम हमारी बिल्कुल रेडी है। और अब हम केक को चेक कर लेते हैं। जी तो देखिए माशाल्लाह से केक अच्छे से बेक हो चुका है, यहाँ पे मैं नाइफ से आपको चेक भी करा के दिखा देती हूँ। तो ये देखें इतना अच्छा बेक हुआ है कि इसके क्रम्स साथ लगे हुए हैं और ये क्लीन आई है बिल्कुल, इसका मतलब है ये अंदर तक अच्छे से पक चुका है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी बाहर और ठंडा होने के लिए रखूँगी। आप भी इसे ठंडा होने के लिए ज़रूर रखिएगा, नहीं तो ये टूटना शुरू हो जाता है। और देखिए माशाल्लाह से इतना अच्छा बेक हुआ है कि इसने पहले ही साइड्स छोड़ दी हैं मोल्ड की। तो रेडी है हमारा रेड वेलवेट केक, और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा बेक हुआ है, बहुत ज़बरदस्त ये लग रहा है। तो आप भी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है, बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बना है देखिए माशाल्लाह से। तो मैं दूसरी साइड भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखें कितना ज़बरदस्त ये बेक हुआ है, बिल्कुल भी नहीं लगा। तो टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल आप लोगों ने रखना है। तो यहाँ पर अब आती है हमारी लेयर करने की। तो मैंने यहाँ पर थ्रेड यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा इजी तरीका है ये, इसकी अगर आपने स्लाइस निकालने हैं तो बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से कुछ रखना है थ्रेड को इसके ऊपर केक के, और जितने पीसीज आपको चाहिए या जितना थिक आपको केक चाहिए आप उतना इसे कट कर सकते हैं आराम से। तो इसी तरीके से मैं इसके जितने स्लाइसिस मुझे चाहिए मैं वो निकाल लूँगी, बहुत ही सिंपल और ईजी तरीका है। देखें फर्स्ट लेयर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा केक बना है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट। तो अब मैंने इसी तरीके से दूसरी भी निकाल लेनी है लेयर। तो यहाँ पर तमाम लेयर्स अच्छे से कट चुकी हैं, देखें बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल सेम साइज़ की कटिंग है। तो देखिए मेरे हाथों पे भी इसके क्रम्स लग रहे हैं, कितना ज़्यादा अच्छा और परफेक्ट ये बेक हुआ था। इसकी बेकिंग पे ही डिपेंड करता है सब कुछ।
आपका रेड वेलवेट केक कैसा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने नीम गर्म दूध लिया था और उसमें थोड़ी सी चीनी डाली थी, मिक्स करके मैंने इसको मॉइस्ट के लिए यानी कि शुगर सिरप के तौर पर यूज़ किया। आप चाहें तो पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैंने क्रीम लगाना स्टार्ट कर देनी है इसके ऊपर, और इसी तरीके से सेम मैं सारा प्रोसीजर कर लूँगी। लेकिन जो सेंटर वाली थी लेयर, उसके ऊपर मैंने शुगर सिरप नहीं यूज़ किया यानी कि दूध नहीं डाला, उस पर सादी मैंने क्रीम डाली थी। और ये अब हमने लगा देनी है इसके ऊपर लास्ट लेयर, और इसको भी मैंने अच्छे से मॉइस्ट कर लिया है शुगर सिरप से। और इसके बाद आप जैसे तैसे डिज़ाइन बनाना चाहते हैं केक के ऊपर बना सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अच्छी तो जब भी केक बनाया करें इसकी डेकोरेशन अच्छी सी किया करें, क्योंकि जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है वो ही खाने का दिल करता है ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं इसकी डेकोरेशन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास चेरी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर जैम यूज़ किया रेड कलर का। और ये देखें जी, इसका फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा क्यूट और बिल्कुल मार्केट जैसा बना है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह केक बहुत अच्छा बनेगा और सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब यहाँ पर मैं आपको इसकी कटिंग भी करके दिखाऊँगी, केक कितना ज़्यादा मॉइस्ट बना है माशाल्लाह से। देखें बहुत अच्छे से ये कटिंग हो गया है जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से, अंदर से इसका कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, और बहुत ज़्यादा मॉइस्ट के बने हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। इस रेसिपी को स्टेप बाई स्टेप फॉलो करिएगा। और यहाँ पे मैं आपको चेक भी करा के दिखा दी, देखिए कितना ज़्यादा मॉइस्ट बने, कितना ज़्यादा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जी आपको मेरे बताने का समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक लाइक दे दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।